नमस्कार, मैं अजीत और आपको स्वागत है हमारे चैनल विशाल फार्म में। तो चलिए आज हम जानते हैं कि अनार का जो पौधा है उसके फल को हम कैसे बेगिंग करेंगे और बेगिंग करने का क्या क्या फ़ायदा रहता है। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबाएँ। अभी जो आप ये देख पा रहे हैं अनार का बगीचा, ये जो हमारा Thai 7 का जो फील्ड था जो 4 साल का पुराना, और उसके बीच में जो है हम अनार का पौधा लगाए हैं जो कि 8x16 फीट की दूरी में ये हम लगाए थे। और इसी वजह से ज़्यादा जो गैप 16 फीट की दूरी होने के कारण जो है हम यहाँ पर अनार का पौधा लगाए हैं। और ये पौधा जो कि हमें पदमपुर जो है हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से दिया गया था, और ये वेराइटी का नाम है भगवा और टिशू कल्चर वाला ये पौधा है, काफ़ी अच्छा वेराइटी अनार का। हर समय ये ध्यान देना है कि जब नींबू साइज का रहेगा तभी हम इसको जो है बेगिंग करेंगे, ताकि जो है ये फ्रूट्स काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी आगे जा करके देखने को मिलता है। और जैसे कि अभी ये एक डाली में जैसे 2 फल आया है, तो हम जो कि क्या करेंगे, एक फल को जो कि तोड़ देंगे, ताकि ये एक फल को हम बेगिंग करेंगे ताकि इसका अच्छा साइज आए और साथ ही ये डाली को ज़्यादा लोड ना पड़े। इसीलिए हर डाली में आप देख सकते हैं एक एक फल ही छोड़े हैं। और जैसा कि मेरे हाथ में देख सकते हैं हम बेगिंग के लिए लाए हैं जो कि अनार के फल में देंगे। और ये देख सकते हैं ये एक जो है हल पंच मेरे पास है, और यहाँ पर जो कि हम देख सकते हैं ये 1, 2, 3 जो है हम खोल कर दिए ताकि जो है पानी यहाँ पर बाहर जा सके और अंदर हवा भी ना जमे, ताकि जो फ्रूट्स है वो ख़राब ना हो। ये देखिए ये जो फ्रूट्स है ये नींबू साइज का होना चाहिए, और इसको जो है हम थोड़ा सा ऊपर दे के यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ से जो है हम ये देखिए ये हो गया बेगिंग। इसी तरीके से जो है हम आसानी से बेगिंग कर सकते हैं। और अनार के फ्रूट्स को बेगिंग करने में बहुत सारा फ़ायदा रहता है, जैसे कि दाग धब्बे नहीं लगते, कीड़े मकोड़े उसके ऊपर नहीं लगते, और जो यूनिफॉर्म कलर जो एक्चुअल कलर है वो देखने को मिलता है। और खासकर जो है हमारे उड़ीसा में बरसात के समय काफ़ी फ्रूट्स ख़राब होता है बारिश के समय, और बेगिंग करने से जो कि हम फ्रूट्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं, जिससे कि हम काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। जैसा कि मेरे हाथ में देख सकते हैं अनार के लिए हम लाए हैं, और ये जो कि आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा कष्ट पड़ेगा, 2.5-3 रुपया तक पड़ता है एक पीस का, और अगर हम होलसेल दुकान से ही अगर लाएंगे तो थोड़ा उसमें जो है हमें और सस्ते में मिल सकता है। हमारे क्लाइमेट में क्या होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा दाग दिखने लगता है काला टाइप का, जो कि फंगल डिजीज रहता है, और उसके लिए जो है हम फंगिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि हम हेक्साकोनाजोल दे सकते हैं 15 लीटर पानी में 40 से 45 ml, और अगर उसमें भी उतना ज़्यादा हम अगर रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो जो है हम ट्यूबाकोनाजोल प्लस सल्फर यानी नेटिवो के नाम से आता है, और जो कि 15 लीटर पानी में 15 से 17 ग्राम जो है घोल बना के हम उसको स्प्रे कर सकते हैं, उससे जो है हम आसानी से जो है पार पा सकते हैं। और दूसरा तरीका जो कि मैं बताया था कि जो बेगिंग करेंगे, अगर हम बेगिंग करेंगे अनार को तो जो है ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी के देखने को मिलता है। और सफ़ेद कलर का इसीलिए आता है क्योंकि अनार का जो छिलका है ऊपरी जो हिस्सा है वो काफ़ी शाइनिंग आता है वाइट कलर से, काफ़ी उसका यूनिफॉर्म कलर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो कि हम अगर इन कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे जो है काफ़ी अच्छा अनार का फ्रूट्स हम निकाल सकते हैं। अनार का जो फल है फूल आने से रेडी होने तक जो कि 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। साल में जो कि हम अनार के पौधे से 2 बार आसानी से जो है फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर इन कुछ बातों का हम अगर ध्यान करेंगे और अगर पौधे की अगर केयर करेंगे तो जो है हम अनार की खेती भी सफल तरीके से हमारे उड़ीसा में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवान जय किसान।